हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स। तो आज का वीडियो का टॉपिक होगा कि हम जब भी कोई रूट कैनल किसी के पास करवाते हैं या फिर कोई भी रूट कैनल हमारा प्रोसीजर होता है, तो कभी कभी किन कारणों की वजह से अगर बाय चांस रूट कैनल का फेलियर हो जाए तो क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो रूट कैनल एक्चुअली में क्यों किया जाता है कि कोई भी अगर दांत में कैरीज हो गया है तो सबसे पहले तो उस कैरीज को इनिशियल स्टेज में अगर कोई डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसकी नॉर्मल फिलिंग हो जाती है, उसमें जो सीमेंट होता है वो हम लोग उसको रिस्टोर कर देते हैं या फिर फिल कर देते हैं। लेकिन कोई भी टूथ अगर ज्यादा कैविटीज में डीप हो जाती है तब उसमें हम रूट कैनाल करते हैं। अब रूट कैनाल में क्या होता है कि रूट कैनाल में जो टूथ की रूट्स तक अंदर तक फिलिंग की जाती है, तो वो बहुत टेक्निक सेंसिटिव प्रोसेस है। अगर आपका रूट थोड़ी सी कर्व्ड है या फिर आपके टूथ में ऑलरेडी बहुत सारा इन्फेक्शन प्रेजेंट है, जितना भी अच्छा रूट कैनाल करने से भी कभी कभी अनलकीली ये होता है कि बॉडी है बोल नहीं सकते, रूट कैनाल कभी कभी फेलियर हो जाता है। मतलब फेलियर का क्या साइंस एंड सिम्टम्स है कि हम जब भी च्यू करते हैं तो हमारे मुंह में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जब भी हम उस ओर से खाते हैं जहां पर रूट कैनाल हुआ है उस पूरे एरिया में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली सिम्टम्स नहीं आते लेकिन लेट में आते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए जहां से आपने रूट कैनाल करवाया था, उसके बाद उस टीथ का एक्सरे आपको करवाना चाहिए। अगर आपको रूट कैनाल में कोई दिक्कत नहीं लगती है तो आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें आप दो ऑप्शन है, इधर आप रीआरसीडी करा सकते हैं या फिर आप उस टूथ को निकाल के इम्प्लांट लगा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है या फिर उसमें आप ब्रिज लगा सकते हैं। तो हर चीज में क्या होता है कि ब्रिज अगर आप लगाते हैं जो ऑप्शन होता है, तो ब्रिज में क्या होता है कि हमारा जो आगे और पीछे का दांत है, जो हम सपोज ये आपके जो टीथ है, देखिए नॉर्मल साइज ऑफ टीथ है, ये हमने कट किया हुआ है इसमें, तो इसके ऊपर इंडिविजुअल कैप्स लगती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो अच्छा वाला टूथ है, एग्जाम्पल एक और देता हूं आपको, सपोज ये टूथ है और इसमें हमने ये और ये टूथ में हमको बीच में ब्रिज लगाने, तो इसको और इस दांत की कटिंग करनी होगी, घिसाई करनी होगी। तो अब जब घिसाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक हेल्दी टूथ को कट कर रहे हैं और कभी कभी उन सब टीथ में रूट कैनाल करने की भी जरूरत होती है। तो मोर ओवर जो कॉस्ट होती है रूट कैनाल प्लस ब्रिज, इट इज इक्विवेलेंट कि अगर आप इससे अच्छा कि एक यहां पे आप इम्प्लांट लगा लें। तो इम्प्लांट जो कॉस्ट होता है अराउंड 18,000 to 25,000 के अंदर पड़ता है, डिपेंड्स आप कौन सी कंपनी का इम्प्लांट लगाएंगे, ये कवर स्क्रू लगा हुआ है ऑलरेडी किसी इम्प्लांट का। तो ये जस्ट समझाने के लिए कि एक इम्प्लांट जो होता है, तो हम इम्प्लांट अगर लगाते हैं तो जिस दांत में हमारा रूट कैनाल टूथ इन्फेक्टेड हो गया है उसको आप निकलवा के आप इमीडिएट इम्प्लांट लगा सकते हैं या फिर 1.5-2 महीना वेट करके इसमें इम्प्लांट लगा सकते हैं। अब इम्प्लांट लगाने का ये मतलब नहीं कि उसमें आप तुरंत खा सकेंगे, इम्प्लांट लगाने के बाद आपको एटलीस्ट 90 डेज वेट करना होता है कि उसके ऊपर जो टूथ लग सके, क्योंकि जो इम्प्लांट के साथ जो बोन होती है वो इंटीग्रेट होती है, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये परमानेंट ट्रीटमेंट है रादर देन पेइंग अ लॉट इन ब्रिज। और रीआरसीडी करने से भी देखना पड़ता है कि टूथ की कंडीशन कैसी है, कैप के नीचे का जो टूथ है उसमें कितना डिस्ट्रक्शन है, अगर ज्यादा डिस्ट्रक्शन है तो बेटर है दांत को निकलवा दें। तो आरसीडी के बाद ऐसा बहुत कम होता है कि 100 केसेस में 2 या 3 केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं लेकिन ऐसा होता है क्योंकि आप जितना भी अच्छा रूट कैनाल कर लें, ऐसा देखा जाता है कि कोई कोई रूट कैनाल 5 साल के बाद ही फेलियर होता है, कोई कोई रूट कैनाल जो बिल्कुल अच्छे से नहीं किया वो भी कभी 10-12 साल चल जाता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी ह्यूमन बॉडी किस तरीके से उस चीज को यूज लेती है। प्लस रही बात कॉस्ट की, कॉस्ट देखिए थोड़ा जो बेटर ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली होगा ही, प्लस इस कोविड टाइम के बाद जो इम्पोर्ट टैक्स है और बाकी सारी चीजें की रेट जो है वो सारी बढ़ गई है, तो इसलिए इम्प्लांट का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। अब जो लास्ट ऑप्शन है उस टूथ को रिप्लेस करने का, जो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, कि रिमूवल पार्शियल डेंचर। रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है कुछ इस टाइप का, जिसमें आप उस टीथ जहां पे आपने निकलवाया है वहां पे आप एक प्लेट डाल के उसमें आप दांत लगवाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे पेशेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, खाने पीने की दिक्कत होती है, प्लस बहुत कम लोग को ये सूट करता है, सबको ये सूट नहीं करता। तो बेटर है कि आप इम्प्लांट नहीं तो ब्रिज लगाएं, जो कि बेटर ऑप्शन है, फिक्स टीथ ऑप्शन है, रिमूवल की तरफ ना जाएं जो कि ज्यादा बेहतर है। और रीआरसीडी रही रीआरसीडी बात, रीआरसीडी अगर सिंगल रूटेड टूथ है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, बट आई वोंट बिलीव कि मल्टी रूटेड टूथ में आप दोबारा आरसीडी करते हैं तो उसमें दीवारें फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो इतना था आज का वीडियो, आई होप यू लाइक इट।
तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं. इफ यू डोंट फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, प्लीज डू फॉलो मी इन साई_डेंटल. टिल देन टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय.